हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2C एंड 2D। फर्स्ट ऑफ ऑल 2C में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। एंड 2D में आपको SCF फाइंड आउट करना है थ्रू द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय द डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन फाइंड आउट द SCF of these numbers। चलिए, इज फाइंड द SCF ऑफ 396 एंड 1080 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 396 और 1080 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक। तो पहले हम इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो ओनली वन होता है और इटसेल्फ होता है, ठीक है, और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड नहीं होते, ठीक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं प्राइम नंबर से। तो टू इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो टू से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। तो टू से डिवाइड किया हमने 396, तो 198 आया। फिर लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये डिवाइड कर लिया, अब ये 9 आ गया। तो अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड किया तो 99 जो है 33 टाइम्स जो है डिवाइड हो गया। फिर 3 आ गया, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स में डिवाइड हो गया। फिर 11 बन जा 11, ओके। फिर आइए हम डिवाइड करते हैं 1080 को, ठीक। चलिए, तो 20 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 540 टाइम्स में डिवाइड हो गया। फिर 0 है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 270 आया, फिर हमने उसको डिवाइड किया 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 आ रही है। तो फिर हम डिवाइड करेंगे तो 135 होगा। अब ये लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो 5 जो है सिर्फ अगर लास्ट में 5 डिजिट आती है यूनिट प्लेस पे तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो हमने फिर 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक। देन जब हमने 5 से डिवाइड किया तो 27 टाइम चला गया। 27 जो है, अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल है 3 का, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 9 आया। अब 9 भी 3 का मल्टीपल, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा 9। तो फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 टाइम्स में गया। अब 3 का 3 बन जा यानी 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि सभी प्राइम नंबर्स को, ठीक है, जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको हमको एक लाइन में रखना है, ठीक। तो पहले काउंट कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स आया है 396 में, तो हम इसको 2 raised to the power 2 राइट कर लेंगे, या आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 2 भी लिख सकते हो। फिर 3 टाइम्स आया है तो 3 raised to the power 3, ठीक। फिर 11 1 टाइम आया तो इसका पावर 1 रहेगा, ओके, इसको राइट कर लिया, ठीक। अब 1080 में देखिए 2 3 टाइम्स आया, तो हम इसको लिखेंगे 2 raised to the power 3, ओके। फिर 3 देखिए 3 3 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 raised to the power 3, ओके। और अब देखिए 5 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे हम 5 को लिख देंगे, 5 raised to the power 1, मतलब एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 5 ही, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? फाइंड आउट SCF। तो SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो, फैक्टर भी हो। देखिए ऊपर वाले में आप देखोगे नंबर कितने हैं, 2 टाइम्स है, और नीचे वाले में 2 3 टाइम्स, मतलब कॉमन क्या हो गया, 2 टाइम्स कॉमन है, ठीक है। और 3 में देखिए तो 3 भी 2 टाइम्स कॉमन है, क्योंकि ऊपर 3 2 टाइम्स है, नीचे 3 टाइम्स है। तो आप क्या करोगे कि आप कॉमन जो नंबर होगा उसको लेना होता है, तो 3 2 टाइम्स है उसको ले लिया। 11 और 5 दोनों कॉमन नहीं है, इसलिए हम केवल कॉमन नंबर्स को लेंगे। तो कॉमन नंबर्स क्या मिले हमें? 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power
टू, तो इन दोनों को हम या तो एक्सपेंड कर लें या फिर यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम टू को एक्सपेंड करेंगे तो टू इंटू टू कर सकते हैं, या टू इंटू टू इक्वल टू फोर हो जाएगा, एंड थ्री इंटू थ्री इक्वल टू नाइन हो जाएगा, तो फोर इंटू नाइन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एक बात समझनी होगी कि टू रेज टू द पावर टू क्या होता है, फोर होता है, और थ्री रेज टू द पावर टू होता है नाइन, तो फोर इंटू नाइन 36 हो गया। ओके, चलिए फाइंड द एस सी एफ ऑफ 144, 180, 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी देखिए हमने टू नंबर्स का फैक्टराइजेशन किया, अब हमें थ्री नंबर का फैक्टराइजेशन करना है और एस सी एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऊपर अभी हम लोगों ने दो नंबरों का फैक्टराइजेशन किया और एस सी एफ फाइंड आउट किया, अब यहाँ हमको तीन नंबरों के करने हैं। चलिए सेम मेथड हम वहाँ लगाए थे, वही मेथड हमको यहाँ भी लगाना है और प्राइम नंबर से इन तीनों नंबरों को डिवाइड करके इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। ठीक है, फैक्टर मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में रखना है। ठीक है, इनके छोटे छोटे फैक्टर्स राइट करने हैं। तो चलिए 144 को हमने डिवाइड किया, ठीक, तो आपने देखा इनके फैक्टर्स तो टू फोर टाइम्स आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू रेज टू द पावर फोर, और थ्री देखिए टू टाइम्स आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थ्री रेज टू द पावर टू। ओके, 180 में देखिए टू टू कितने टाइम्स आया है, टू टाइम्स आया है, तो टू रेज टू द पावर टू, थ्री फिर टू टाइम्स आया है तो थ्री रेज टू द पावर टू, एंड फाइव कितने टाइम्स आया है, वन टाइम आया है। ओके, नेक्स्ट देखिए 192 में तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी टू रेज टू द पावर सिक्स, यानी सिक्स टाइम आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू रेज टू द पावर सिक्स। ओके, और थ्री कितने टाइम्स आया है, वन टाइम आया है। ओके, तो हमको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है कितने कॉमन हैं। ठीक है, कितने कॉमन, कितने फैक्टर्स जो हैं कॉमन हैं। ठीक, देखिए आपको टू रेज टू द पावर टू आपको 144 में भी मिल जाएगा, 180 में भी मिल जाएगा, और 192 में भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखोगे आप जो दो टू इंटू टू जो है कॉमन किस किस में, सभी में है, देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ठीक, बट इसके बाद जो है टू और टू कॉमन नहीं है। ठीक, बाकी देखिए तीनों में थ्री, थ्री किस किस में कॉमन है, तो केवल वन थ्री, केवल एक ही थ्री जो है कॉमन है, बाकी आप फर्स्ट वाले में देखिए तो वहाँ पे थ्री रेज टू पावर टू है, थ्री रेज टू पावर टू 180 में भी है, एंड लास्ट में 192 में थ्री है केवल, तो थ्री जो है सभी में कॉमन है, तो इसका एक ले लेंगे हम, तो टू रेज टू द पावर टू इंटू थ्री, यानी फोर इंटू थ्री कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे एस सी एफ बाय द डिवीजन मेथड। ठीक, डिवीजन मेथड के थ्रू हमें एस सी एफ फाइंड आउट करना है, तो कैसे होगा चलिए करते हैं। 161 इज डिवाइडेड बाय 345। देखिए इसमें करना क्या होता है, देखिए दो नंबर्स दिए रहेंगे, दो नंबर से कम कभी भी, दो नंबरों से अगर कम किसी का एस सी एफ निकाला ही नहीं जाता पहली बात तो। ठीक है, किसी सिंगल नंबर का एस सी एफ नहीं फाइंड होता था, दो नंबर होने चाहिए या दो से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ठीक है, एस सी एफ या एल सी एम फाइंड आउट करने के लिए, तो चलिए इसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 161 एंड 345। ओके, तो हमें क्या करना होता है इसमें कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हमको डिवाइजर बनाना होता है, और जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम डिविडेंड बना देते हैं। ठीक ठीक, तो 161 यहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो यहाँ पे हम उसको डिवाइजर बनाएंगे, एंड 345 जो है क्या है, ग्रेटर है, तो हम इसको डिविडेंड बनाएंगे। ठीक, तो 161 से हम 345 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, तो अगर 161 को अगर हम 2 से
मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 322। तो हमने 322 राइट किया एंड माइनस किया तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो 23 हो गया। ठीक, अब ये जो रिमाइंडर है, अब ये रिमाइंडर जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, डिवाइज़र। और किसका डिवाइज़र होगा, ये पहले वाले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका डिवाइज़र हो जाएगा। तो पहला डिवाइज़र क्या था, 161, यही स्मॉलेस्ट नंबर था। तो ये डिवाइज़र जो है अब डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र हो गया। ठीक है, तो अब 23 जो है 161 को डिवाइड करेगा। तो 23 ने 161 को डिवाइड कर दिया 7 टाइम्स में, तो ये क्या बन गया आपका SCF। क्योंकि अगर रिमाइंडर बचता, ठीक है, अगर इस तरह के प्रोसेस में रिमाइंडर बचता है तो फिर हम जो स्टेप फर्स्ट में लिया गया था वही सेकंड स्टेप भी करते। ठीक है, कि हमने जो रिमाइंडर बचा उसको क्या करते, डिवाइज़र बनाते, और जो हमारा डिवाइज़र बना था सेकंड स्टेप में वो अब डिविडेंड बन जाता। ठीक, तो ये प्रोसेस चलता रहता जब तक कि विदाउट लिविंग रिमाइंडर हमें एक नंबर नहीं मिल जाता। ठीक है, डिवाइज़र जो होता तो वही SCF होता है। ठीक है, 23 जो है 161 को भी डिवाइड कर देगा और 345 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द SCF ऑफ 136, 170 एंड 255। देखिए यहाँ पे आपको थ्री नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 136, 170 एंड 255। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब थ्री नंबर्स दिए हों तो इसमें हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको हम डिवाइज़र बनाते हैं और सेकंड वाले नंबर को हम क्या करते हैं कि उसको हम डिविडेंड बना देते हैं, और थर्ड वाले को जो ग्रेटेस्ट है उसको बाद में छोड़ देते हैं, उसको हम बाद में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट और सेकंड वन नंबर के नंबर को डिवाइड करेंगे। तो वहाँ यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 136 और सेकंड नंबर पे है 170। ठीक है, तो 136 वन टाइम्स में 170 को डिवाइड करेगा तो वन टाइम्स हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 34। ठीक, अब ये 34 जो है रिमाइंडर अब क्या बन गया आपका, डिवाइज़र, एंड 136 आपका बन गया डिविडेंड। ठीक, अब 136 को 34 फोर टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो 136 और 170 का जो SCF आएगा वो होगा 34। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसी 34 से जो ग्रेटर नंबर है 255 उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, तो 34 से जब हमने 255 को डिवाइड किया 7 टाइम्स में तो आया माइनस 238। तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बच रहा है रिमाइंडर, 17। ओके, अब इस 17 को हम क्या करेंगे, डिवाइज़र बना लेंगे, एंड जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिवाइज़र था फर्स्ट स्टेप में 34, उसको अब यहाँ पे हम डिविडेंड बना देंगे। ठीक, और 17 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 17 टू जा 34, 34 को जब राइट किया माइनस किया तो कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो अब हमें पता चल गया है कि 17 ही जो है 136, 170 एंड 255 का SCF है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमें एक ऐसे नंबर को ढूंढना है जो 285 और
1249 दोनों को जब डिवाइड करता है तो जब 285 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 9, और जब वही नंबर 1249 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमें क्या करना होगा कि जो नंबर दिए हुए हैं उनमें से रिमाइंडर को माइनस करना है। देखिए इसमें लिखा है क्लियरली, वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 - 9 एंड 1249 - 7 एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप जो है 285, ठीक है, में से अगर 9 निकाल दो, ठीक, अगर इसमें से आप 9 निकाल दो तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 9 नंबर ही तो ज़्यादा है, ठीक, उस नंबर से अगर आप इसको निकाल दोगे 9 नंबर को तो वो नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक ठीक यही जो है बात 1249 में भी है कि आप उसमें से माइनस 7 कर दो तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो नंबर डिवाइड कर रहा है जिससे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 285 माइनस 9 कर देंगे एंड 1249 माइनस 7 कर देंगे, और दोनों नंबरों को राइट करेंगे तो जब हमने 285 माइनस 9 किया तो नंबर आया 276, और जब हमने 1249 माइनस 7 कर दिया तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, 1242। ओके, अब इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर ले, तो 276 क्यों है ग्रेट, ये क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये क्या करेगा ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेगा, तो चल ये 1242 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 276 डिवाइज़र हो गया और 1242 क्या है डिविडेंड। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम अगर डिवाइड किए तो आ रहा है 1104। ठीक, तो माइनस कर दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना है 138, और 138 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे अब जो पहले वाला जो डिवाइजर था अब उसको हम डिविडेंड बना देंगे यहाँ पे, तो 276 आया। ठीक, अब 138 जो है 276 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो ठीक है, तो हमने 2 टाइम्स इसको डिवाइड कर दिया, इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि यही जो नंबर था 285 एंड 1249 को जब डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली आ रहा था। ठीक, तो यही ये नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर है जो 285 को डिवाइड कर रहा था और 1249 को डिवाइड कर रहा था और रिमाइंडर 9 एंड 7 आ रहा था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, रिड्यूस 289 by 391 टू द लोवेस्ट टर्म। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो इसमें आपको क्या करना होगा, दोनों ही नंबरों का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो एचसीएफ अभी आपने डिवीजन मेथड के थ्रू किया तो आपको क्या करना होगा 289 को, ठीक है, 289 से 391 को आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जहाँ पे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, उस एचसीएफ से आप इनको डिवाइड कर दोगे तो ये एकदम लोवेस्ट फॉर्म में चला जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म मतलब रिड्यूस फॉर्म इसका। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है ग्रेट स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उस एचसीएफ से आपको जो 289 और 391 है उसको डिवाइड करना होगा। तो देखिए 289 डिवाइडेड बाय 391 किया हमने तो ये वन टाइम गया तो रिमाइंडर बचा 102। ठीक, फिर इसके बाद 102 से हमने
289 को डिवाइड किया तो रिमेंड टू टाइम्स में तो यहाँ पे आया 204, तो माइनस किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है 85। तो 85 जो है अब डिवाइड करेगा 102 को, तो 102 टाइम्स जाएगा 170, तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हम वन टाइम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 85, तो हमने माइनस 85 कर दिया तो क्या हमारे पास रिमाइंडर आया 17। अब 17 ने क्या किया कि 85 को 5 टाइम डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा SCF आया वो 17 आया। अब हम 289 को भी 17 से डिवाइड करेंगे और 391 को भी 17 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा रिड्यूस फॉर्म आया वो क्या आया 17/23। ठीक है, तो ये आपके लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ब्रिथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 1050 सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, हमें एक ऐसे टेप की ज़रूरत होगी जो सारे तीनों लेंथ को जो है मेजर कर सके। ठीक है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द गिवन लेंथ इक्वल टू SCF ऑफ 1050 सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर एंड 425 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट वी फाइंड द SCF ऑफ 1050 एंड 750। चलिए दोनों का SCF फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ना 750 ही डिवाइजर बनेगा और 1050 क्या बनेगा यहाँ पे डिविडेंड। तो हम वन टाइम में इसको ले गए तो रिमाइंडर आया 300। फिर हम 300 से 750 को डिवाइड कर देंगे टू टाइम में तो 600 आएगा, तो हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 150। ठीक, अब 150 से हम क्या करेंगे 300 को डिवाइड करेंगे तो ये टू टाइम्स में चला जाएगा, तो 1050 और 750 का जो SCF आया वो होगा 150। ओके, देन अब ये 150 क्या करेगा, अब ये 150 डिवाइज़र हो जाएगा 425 का। तो अब हम 150 से 425 को डिवाइड करते हैं तो टू टाइम्स गया तो हो जाएगा 300, तो माइनस कर दिया तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है 125। ओके, अब इसको वन टाइम लेके जाएंगे क्योंकि टू टाइम हो जाता 250 तो 100 ज़्यादा हो जाता, तो हमें क्या करना होगा 125 वन जा लेके जाना होगा, तो इसको ले गए तो माइनस वन, फिर यहाँ पे रिमाइंडर आया 25। अब 25 क्या करेगा, जो 125 डिवाइजर है वो डिविडेंड बन गया, अब 25 इस डिविडेंड को 5 टाइम में डिवाइड कर देगा। इस प्रकार SCF ऑफ 150 एंड 425 इज 25। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यही 25 जो है अब जो है 1050 750 और 425 तीनों ही जो लेंथ है उनको मेजर कर सकता है। ठीक, तो हमारा जो रिक्वायर्ड लेंथ था वो क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज़ योर एक्सरसाइज 2D। ओके, चलिए हमको फाइंड आउट करना है SCF एंड LCM ऑफ 1152 एंड 1664। ठीक, तो इन दोनों का हमें SCF और LCM दोनों ही फाइंड आउट करना है। चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें SCF फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा था डिवीजन मेथड के थ्रू SCF कैसे फाउंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉलेस्ट वाले नंबर को, जो स्मॉलेस्ट वन है उसको हम डिवाइजर बना देंगे और ग्रेटर वन को बना देंगे हम डिविडेंड। ठीक, और डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमने डिवाइड किया तो वन टाइम गया 1152 वन टाइम जाएगा, तो हमने इसको माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 512। ठीक, अब 512 जो हो गया रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो गया। ठीक, अब ये
जो पहले वाला डिवाइज़र था, ठीक, अब वो बन गया डिविडेंड और उसको 512 डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, टू टाइम्स में उसको लेके जाएंगे तो ये 1224 आएगा, ठीक। तो हमने इसको माइनस किया तो रिमाइंडर आ रहा है 128, ठीक। अब 128 है जो वो 512 यानी 512 को डिवाइड करेगा फोर टाइम्स में, तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो 128 जो है अब जो है 1152 और 1664 का SCF हो गया, ठीक। तो हमें SCF मिल गया, ओके। और हम एक फार्मूला जानते हैं, SCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं और आपको SCF भी मिल चुका है, तो आप वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो LCM इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो प्रोडक्ट कौन को, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक। तो 1152 मल्टीप्लाई बाई 1664 और SCF हमें पता था, तो SCF है 128, ठीक। तो 128 तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो LCM आ रहा है हमारा 14,976। तो हमें SCF और LCM दोनों मिल गए, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, द SCF ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर LCM, ओके। तो आपको क्या करना है, SCF आपको पता है 16 आ रहा है, उनके जो दो नंबर से उनको मल्टीप्लाई किया तो उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 3072, ये भी पता है आपको, बस आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है SCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो या गिवन नंबर्स। तो आपको यहाँ पे LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स बाय देयर SCF राइट करके, फिर आपको यहाँ पे दो 3072 बाई 16 राइट करना है, एंड जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 192 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 192 और आपका LCM होगा 192, ठीक। द SCF ऑफ टू नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। अब देखिए ये SCF और LCM दोनों दे दिया है और दो नंबरों में से एक नंबर भी दे रखा है, आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फार्मूला रखिए, ठीक है। अब फार्मूला क्या रखोगे, वन नंबर इंटू द अदर नंबर इक्वल टू SCF इंटू LCM। तो वन नंबर आपको पता है 161 है, इंटू अदर नंबर इक्वल टू SCF 23 आया है एंड LCM 1449 है। अब इसको डिवाइड कर दो, 23 इंटू 1449 बाई 161 से, तो आप क्या करोगे देखोगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा 207, ओके। तो आपका दूसरा नंबर क्या होगा 207 और दैट इज़ योर एक्सरसाइज 2E इंडेड।
स्टूडेंट आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। ठीक है, तो हमें ऐसे फाइव डिजिट की इससे छोटी संख्या फाइंड आउट करनी है जो 16, 18 और 24 एंड 30 से डिविजिबल हो। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब इसमें कोई रिमाइंडर ना आए। ठीक, तो फाइव डिजिट की सब छोटी संख्या कौन सी है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 16, 18, 24 एंड 30 का। तो हमने जो है क्या किया, डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम निकाला। ठीक, एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा कि इसका एलसीएम आ रहा है 720। ठीक, जो कि एक थ्री डिजिट नंबर है। ठीक, ये तीनों से डिवाइड है। ठीक है, लेकिन ये थ्री डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फाइव डिजिट नंबर को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फोर डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होती है ना, फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को हम राइट करते हैं। ठीक है, तो वो है 9999। ठीक, तो उस नंबर को हम जो हमारा एलसीएम आया है 720 उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हमने उसको डिवाइड किया तो 13 टाइम वो गया। ठीक है, जब 13 टाइम गया तो रिमाइंडर बच गया मेरा 639। ठीक है, 639 जो रिमाइंडर आ रहा है। ठीक, तो ये देखिए, ये तो फोर डिजिट की ये फोर डिजिट नंबर है। ठीक है, और इसमें रिमाइंडर बच रहा है 639। तो ये सेवन, अगर इसमें कुछ नंबर और जोड़ दी जाती तो ये 720 हो जाता, और ये 720 हो जाता तो ये फाइव डिजिट में चला जाता, जाता कि नहीं जाता, और 720 से एग्जैक्टली डिवाइड भी हो जाता। ठीक, तो हम देखते हैं कि 639 जो है 720 से कितना कम है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। तो जब हमने इसका सबट्रैक्शन किया 720 का, तो आया 81। ठीक है, अगर हम 639 में 81 ऐड कर दें तो हमको 720 मिल जाएगा। तो अब ये जो रिमाइंडर, ये जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो डिफरेंस आया 81 का, हम इस डिफरेंस को जो हमारी फोर डिजिट की नंबर था, ठीक है, जो हमारा फोर डिजिट का नंबर था उसमें हम 81 ऐड कर देते हैं। जब हम 81 ऐड करते हैं तो इक्वल टू हो जाता है 10,080 के। ठीक है, सो 10,080 इज द दैट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 18, 24 एंड 30। तो यही 10,080 जो है वो नंबर है जो 16, 18, 24 एंड 30 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ओके।